हाय गाइस, माय सेल्फ साहिल अब्रोल। और जैसा कि मैंने अपनी पोस्ट डाली थी फेसबुक पे कि मेरे जीए जो मेंस एग्जाम हुआ है केएस 2018, उसमें हाईएस्ट मार्क्स हैं और पर्टिकुलरली GS 4 पेपर में मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो केएस जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप अपनी अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करें। तो मैंने उनको बोला था कि मैं एक शॉर्ट सा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं GS 4 के बारे में आपको ना बताऊंगा कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही है, और आज वही मैं करने जा रहा हूं। मैं आपको GS 4 की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। साथ ही साथ ये है कि जो ऑप्शनल पेपर हैं GS के, जो बाकी पेपर्स हैं, उसमें मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही है और कैसे मेरे मेंस में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, ये भी मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी। तो मेरे वीडियोस बड़े शॉर्ट शॉर्ट होंगे, मैं ट्राई करूंगा कि मैं उनको जल्दी खत्म करूं, और ताकि आपको एक लेंथ एंड ब्रेथ पे मैं एक आइडिया दे सकूं कि आपको कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। क्योंकि सर, क्योंकि मुझे लगता है फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि केएस या जो भी सिविल सर्विसेज, उसमें गाइडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते, आपको कुछ पढ़ना पड़ता है और एक डायरेक्शन में पढ़ना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं अब अपना वीडियो शुरू करूंगा, और मैं आपको यही करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छे अच्छे वीडियोज आपके आपके लिए लेके आए। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो देखिए यार, मोटा मोटी बात यह है कि GS 4 जो था पेपर, उसका इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज था। हमारा केएस में ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसलिए कुछ बच्चों को इसमें परेशानी आई थी कि हम GS को कैसे हैंडल करें। तो अगर हम पेपर की बात करें तो इसमें टोटल 14 क्वेश्चन आए थे मुझे, ठीक है। उसमें दो सेक्शंस में वो डिवाइडेड थे। दो सेक्शंस का मतलब है, एक जो पार्ट था वो पूरा का पूरा था केस स्टडीज। केस स्टडीज GS 4 के लिए, जो एथिक्स का जो है पेपर, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने कैसे फॉलो अप करना है केस स्टडीज को, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको ये हम देख लें एक बार कि पेपर आया कैसा था। 14 क्वेश्चन थे, दो इसमें सेक्शंस रही थी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी थे, कोई आपके लिए चॉइस नहीं था। और केस स्टडीज आई थी 6 केस स्टडीज थी इसमें, जो कि 20-20 मार्क्स की थी। तो कुल मिला के केस स्टडीज नॉर्मली हाफ ऑफ द टोटल पेपर था, ठीक है। और अभी मैंने क्या क्या फॉलो अप किया, ये कुछ पॉइंट्स में मैंने इसको ना बनाया हुआ है कि आपको क्या चीजें फॉलो अप करनी है जीएस पेपर 4 में। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट नंबर 1, वो है कि डेफिनेशंस, फोकस ऑन द डेफिनेशंस। कि एथिक्स, फॉर एग्जाम्पल, एथिक्स, मॉरल्स और वैल्यूज में क्या डिफरेंस है। एक लेमैन के लिए एथिक्स, मॉरल्स एंड वैल्यूज होल्ड द सेम मीनिंग, बट एक सिविल सर्वेंट के लिए तीनों का मीनिंग डिफरेंट है। तो वो आपको समझना है कि डिफरेंस कहाँ लाई करता है। तो ये मेरी एक एग्जाम्पल थी। एथिक्स का मीनिंग होता है वो वाली वैल्यूज जो सोशली एक्सेप्टेड हो, जो एक सोसाइटी में एक्सेप्ट की जाए। मॉरल्स, जहां की अगर आप बात करें तो मॉरल्स इंडिविजुअल होते हैं। मॉरली मुझे क्या सही लगता है, मुझे क्या गलत लगता है, दैट इज मॉरल। एथिक्स की मैं अगर बात करूंगा तो वो सोशली क्या एक्सेप्ट करते हैं। मे बी सोशली में जो चीज एक्सेप्ट की जाए वो मेरे लिए रॉन्ग हो, मैं उसको रॉन्ग मानता हूं, लेकिन वो सोसाइटी सही मानती हो, तो वो सोसाइटी के लिए एक एथिक्स का काम करेगी। तो ये जो माइन्यूट सा डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। ऐसे जब आप एथिक्स पढ़ोगे उसमें काफी सारी ऐसी ना चीजें आएंगी जिसके जिसके मीनिंग जो है वो एक लेमैन के लिए सिमिलर होंगे लेकिन आपके लिए डिफरेंट होंगे। वही आपने समझना है। पॉइंट नंबर 1 ये था। दूसरी चीज ये है कि बड़े बच्चों ने बोला कि सर आपने नोट्स कहाँ से बनाए, आपने बुक्स कौन सी की फॉलो। देखो, बेसिक बुक्स सबको पता है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। गो बाय एनी बेसिक बुक, लेक्सिकॉन की बुक आती है, यूपीएससी की है, आप दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट है वहां से बुक ले लीजिए, तो वहां से पढ़ी, दैट्स इट। वो आपको बेसिक्स ना पढ़ाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली एथिक्स की जो तैयारी है ना, वो आपका माइंडसेट है। वो जो ये जो पेपर है, ये बेसिकली आपका माइंडसेट कैसा है वही है, वो शो करता है। सो इसलिए ट्राई करो कि आप जितनी भी केस स्टडीज हो, आप मैक्सिमम केस स्टडीज एक अच्छी बुक से या जो प्रीवियस ईयर आईएएस के पेपर्स हैं वहां से उठाओ, और जो आपको लेक्सिकॉन में वो ना केस स्टडी जैसे दिए वैसा मत करो। खुद सोचो कि आप, अगर आप इसकी जगह होते तो आपका क्या फैसला होता, आप कैसे सोचते, वो ट्राई करो, वो नोट डाउन करो जो मैंने किया। मेरे केस में मैंने ये चीज फॉलो अप की। केस स्टडीज का कोई भी था, मैं अपने दिमाग से सोचता था, अपने दिमाग से उसका आंसर लिखता था, और फिर मैं अपने जो मेरे ना फ्रेंड्स थे ना कलीग्स थे, मैं उनको दिखाता था कि यार अब आप देखो और इसमें मेरे को बताओ कहां पे मैं गलत हूं। तो उस तरह से मैंने इंप्रूवमेंट की अपनी केस स्टडीज में। सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि यार पेपर में कुछ भी नहीं लिखो। मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दो, जो तुम्हें आता है वो पर्टेनिंग टू द क्वेश्चन है या नहीं है, तुम उसको लिख के आ जाओ, वैसा कुछ नहीं करो। मीनिंगफुल लिखो।
अभी जो आ रहे जो जो आ रहे पेपर उसमें आपको एक सेग्रीगेटेड जगह दी गई होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं आता तो आप उसको कुछ भी लिखे आप उसको भर दो, ऐसा मत करो। जितना आता है उतना ही लिखो, मीनिंगफुल लिखो लेकिन सही लिखो। थर्ड चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है कंक्लूजन्स। ट्राई करो कि आप हर एक क्वेश्चन में कंक्लूजन्स दो, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसको एक इंसाइट मिलती है माइंड टू द माइंड ऑफ द सिविल सर्वेंट, कि जो एस्पिरेंट है उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो इंसाइट के लिए कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्राई करो कि हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ 3-4 लाइन्स में उसको कंक्लूडिंग रिमार्क्स जरूर दो, ठीक है। और उसमें ट्राई करो कि तुम सोसाइटी ह्यूमनिस्टिक हो, उस एंगल को तुम ज्यादा अच्छे से देखो, क्योंकि एथिक्स इज ऑल अबाउट सोसाइटी। तो उस एंगल को तुम्हें ध्यान से देखना है, उस एंगल को तुम्हें अपने कंक्लूजन में लाना ही लाना है। फोर्थ थिंग इज दैट कि जो एग्जाम्पल्स है ना, देखो एथिक्स एग्जाम के लिए एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई करो कि हर एक क्वेश्चन में तुम एक एग्जाम्पल दो, और ये भी ट्राई करो कि वो एग्जाम्पल लोकल हो, तुम्हारी सोसाइटी में से आई हो, वो कोई फिक्टिशियस एग्जाम्पल नहीं हो, वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो, जो कि एग्जामिनर को पता लगे कि आप एक प्रैक्टिकल माइंडसेट से ना सोच रहे हो। अब एक नॉर्मली उसको ऐसा लगेगा कि यार ये तो, क्योंकि एग्जामिनर इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंट, वो भी इंटेलिजेंट पर्सन है, वो भी उसको भी पता है कि इसने किसी बुक से उठाई है या इसने अपना दिमाग लगाया, इसने कुछ क्रिएटिव थॉट डालना है। तो वो जो सेग्रीगेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करनी है, ठीक है। और जैसे कि हमारा केएस का पेपर है, क्योंकि मैं इसी को वो करूंगा फोकस, तो इसके लिए क्या करो यार, लोकल पेपर तो सारे पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट हर एक बंदा पढ़ता है, उसका कोई आर्टिकल पढ़ लो ना, संडे की मैगजीन पढ़ लो, सैनिटेशन पे कोई आया होता है कि वहां पे ना फलानी फलानी जगह पे हमारी सैनिटेशन अच्छी नहीं हुई है, या ना फलानी जगह की कुछ ना वो आई होती है ना केस स्टडी की, वहां का जो है सिविल सर्वेंट उसने ऐसा ऐसा कुछ किया और उसने ऐसा कुछ, तो वो वैसी एग्जाम्पल्स को फॉलोअप करो और उनको नोट डाउन कर लो, उनके नोट्स बनाओ, ठीक है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको करना है। तो यही था मेरी ना स्ट्रेटेजी के बारे में, होल सोल यही था। डिटेल एनालिसिस अगर किसी को जानना हो, या किसी के कुछ क्वेश्चंस कुछ क्यूरीज हो, किसी को कुछ जानना हो कि क्या, और किसी को कुछ कोई क्यूरी इनमें से आए, तो वो कमेंट सेक्शन में करे, तो मैं ट्राई करूंगा कि विद इन 24 आवर्स मैं उसका आंसर दे पाऊं। और अगर किसी को कुछ इससे अलावा कुछ पूछना हो वो भी कमेंट सेक्शन में डाले। और एक चीज और, मैंने इसके कुछ नोट्स बनाए हैं, तो वो मैंने उसको सम अप किया इन 4 पेजेस। तो यार देखो ऐसे तो मैं उसको डालूंगा नहीं, क्योंकि वो ऐसे लगता है कि शायद पता नहीं क्यों डाल रहा है। तो अगर आपको चाहिए हो, अगर एस्पिरेंट्स की डिमांड आएगी कि सर हमें नोट्स चाहिए, आपने कैसे बनाए थे आप हमें दीजिए, आपका आपने कैसे ना सम अप किया था आप हमें बताइए, तो आई विल ट्राई कि मैं उनको पोस्ट कर सकूं और आपके लिए मैं उनको अवेलेबल करवाऊं। लेकिन उसके लिए आप मेरे को ना कमेंट करें। और एक चीज और, मैं आपको, क्योंकि नेक्स्ट जो मेरा होगा टॉपिक वो मेरा होगा ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी पे, मैं एक वो बनाऊंगा वीडियो, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि नोट्स कैसे ना बनाए जाते हैं। देखो जो कि ज्योग्राफी के पर्सन हैं जिन्होंने पढ़ी है, जो ऑप्शनल ज्योग्राफी, उन्होंने ओशनोग्राफी पढ़ी होगी। इट्स अ बुक, ये पूरी एक बुक है क्या क्या होता है। एंड केएस के एग्जाम के लिए, ऑप्शनल के लिए, आई हैव जस्ट मेड दिस पेज, दिस सिंगल पेज, एंड ये एक मैंने चार्ट बनाया था खुद अपने हाथों से। एंड ये 2 पेजेस में मेरी सारी जो ओशिनोग्राफी थी वो कंप्लीट थी, ठीक है। तो ये मैंने नोट्स कैसे बनाए, मैं यहां तक कैसे पहुंचा, वो मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर योर लव, और हमें सपोर्ट करें, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल्स, एंड थैंक यू वेरी मच।